कायाकल्प योजना के तहत राज्य स्तरीय कायाकल्प की 2 सदस्यीय टीम गुरुवार को नीमच जिला अस्पताल पहुंची, जहां टीम के द्वारा जिला अस्पताल में वार्डों विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया गया। साथ ही नर्सिंग स्टाफ से इंजेक्शन लगाने, ड्रेसिंग, रक्त परीक्षण, उपचार के दौरान दी जाने वाली दवाइयों, अग्निशमन यंत्र को ऑपरेट करने के संबंध में पूछताछ भी की गई। निरीक्षण के दौरान कायाकल्प टीम ने ट्रामा सेंटर, ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड, नया आईसीयू वार्ड, नया आइसोलेशन वार्ड, ट्रामा सेंटर, ऑपरेशन थिएटर, सर्जिकल वार्ड, मेडिकल वार्ड, हर्बल गार्डन, पैथोलॉजी लैबोरेटरी, आहार केंद्र, ओल्ड आईसीयू, डायलिसिस यूनिट, एनआरसी वार्ड, पोस्टमार्टम वार्ड, लेबर रूम, एसएनसीयू वार्डों सहित लेट बाथ का भी निरीक्षण किया और आवश्यक सुझाव भी दिए गए। निरीक्षण करने पहुंचे राज्य स्तरीय दल में पैथोलॉजी डॉक्टर सौरभ मंडवारिया और सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने नीमच जिला चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ नीमच जिला चिकित्सालय के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर महेंद्र पाटिल और आरएमओ डॉक्टर समन्वय गांधी भी उपस्थित थे। दल ने मरीजों से चर्चा की और मौजूद सुविधाओं व कमियों को सूचीबद्ध किया और मौजूद मापदंडों के अनुसार रिपोर्ट बनाकर दल राज्य स्तर पर भेजेगा। उसके आधार पर जिले के चिकित्सालय को रैंक दी जाएगी, साथ ही सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। राज्य स्तरीय दल आया है मंदसौर से। इसमें हम 2 सदस्य हैं, मैं डॉक्टर सौरभ मंडवारे और डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी। हमारे द्वारा अभी ओपीडी और आईपीडी का निरीक्षण किया गया, ओटी का निरीक्षण किया गया। ये हर साल कायाकल्प का निरीक्षण होता है और व्यवस्थाएं आप भी देख रहे होंगे, दिन प्रतिदिन अस्पताल की व्यवस्थाएं इससे सुधर रही है। अभी जो हमने निरीक्षण किया है, इसमें ऑलमोस्ट सारी सुविधाएं हमें यहाँ पे व्यवस्था ठीक लगी है और अभी मैटरनिटी का और पीडियाट्रिक वार्ड का निरीक्षण होना है, उसके बाद हम हमारी रिपोर्ट राज्यों को सौंपेंगे। आपने जैसे मरीजों से भी बातचीत की है निरीक्षण के दौरान, तो क्या मरीजों ने कहा है मरीज इलाज से संतुष्ट हैं, उन्हें यहाँ पर बेडशीट भी डेली चेंज हो रही है। जो लोकल के लोग हैं, डेफिनेटली वो खाना अपने घर से लाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उन्हें मॉर्निंग में, इवनिंग में और जो शासन का प्रोटोकॉल है उसके अनुसार खाना दिया जा रहा है। स्टाफ में कहीं ना कहीं देखा गया सर कि ट्रेनिंग का अभाव सामने आया। जो नए कोविड में लगे स्टाफ हैं उनमें थोड़ा सा ट्रेनिंग की ज़रूरत है। पुराना स्टाफ जो है उसको नॉलेज ठीक है और उनको ट्रेनिंग भी है, लेकिन जो नया स्टाफ कोविड में लगा है उनको थोड़ी अभी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो इसके लिए कहा गया है कि 1-2 महीने में उनकी भी ट्रेनिंग पूरी कर दी जाएगी। आपका नाम? मैं डॉक्टर सौरभ मंडवारिया, चिकित्सा अधिकारी, जिला।